क्या आपको भी आपके वर्कआउट के दौरान मोटिवेशन की कमी लगती है, या फिर एक दो दिनों में वर्कआउट करने के बाद ही आपका मोटिवेशन कम हो जाता है और फिर आपकी इच्छा हट जाती है या फिर आपकी इच्छा मर जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो आज हम देखते हैं हाउ टू स्टे फिट एंड मोटिवेटेड ड्यूरिंग द वर्कआउट। दिस इज इशिका एंड आई एम शेयरिंग यू ऑल द स्टफ रिगार्डिंग फिटनेस, हेल्थ एंड जिम। लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले बात मैं आपको एक बता दूँ, फिटनेस ट्रेनर को भी फीलिंग होती है, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग। तो ऐसा मत समझिए कि फिटनेस ट्रेनर हमेशा मोटिवेटेड ही रहते या फिर फुल ऑफ एनर्जी रहते, ऐसा नहीं होता है। अभी बात करते हैं मोटिवेशन की। मोटिवेशन आप में कब कंटिन्यू रहेगा या फिर कब कंटिन्यूटी आएंगी उसमें, तब जब कि आपका प्लान या फिर आपके कोई गोल होंगे उसकी आपको प्री प्लानिंग होगी। अगर आपका बॉडी से रिलेटेड या फिर फिटनेस से रिलेटेड कोई गोल ही नहीं है, कोई प्लान नहीं है फिक्स, तो उसके अलावा आप मोटिवेटेड नहीं आ सकते हो, क्योंकि जब तक आप कोई गोल डिसाइड नहीं करते हो तब तक आप कंटिन्यूटी में नहीं आ सकते हो। आप रैंडमली कोई भी वर्कआउट कर रहे हो, रैंडमली चीज़ें कर रहे हो, कभी भी वर्कआउट करना, कभी भी कुछ भी करना, ये सब कुछ बहुत गलत हो जाता है। आज की जो जनरेशन है, आज के जो गर्ल्स एंड बॉयज़ है, उनको बहुत ही इंस्टेंट और इमिडिएटली रिजल्ट चाहिए। जैसे उनको 7 दिनों में वेट लॉस चाहिए, 1 महीने में मसल गेन चाहिए, जल्दी से एब्स बनाने, जो कि पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले तो आपको एक बात याद रखनी, अपने जो गोल्स है फिटनेस से लेकर या फिर किसी भी चीज़ों से लेकर, उसको शॉर्ट टर्म के लिए बांधे ना रखें। आपके जो गोल्स है वो लॉन्ग टर्म और परमानेंट होने चाहिए। आजकल की जो जनरेशन है उनमें और एक चीज़ बहुत गलत हो जाती है, उनमें जो मोटिवेशन होता है वो बहुत ही कम टाइम के लिए होता है। जैसे कुछ वीडियो देख लिया या फिर यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लिया, इंस्टाग्राम पे रील्स देख ली, वो देखने के बाद उनको एक मोटिवेशन आता है कि चलो अभी तो स्टार्ट करते ही, लेकिन वैसे नहीं होता। तो दो टाइप के मोटिवेशन होता है, एक होता है इंट्रिंसिक, दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक। पहले बात करते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है। समझ लो आपने मोबाइल लिया है हाथ में, आप वीडियो देख रहे हो, सडनली कोई फिटनेस का वीडियो आ गया या फिर कोई मोटिवेशन का वीडियो आ गया, या फिर आपने इंस्टा पे कोई भी रील देख लिया रैंडम में, जिसमें बहुत एक बॉडी बिल्डर है या फिर एक फिट इन्फ्लुएंसर है, उसका आपने वीडियो देख लिया और आपको मोटिवेशन आ गया और आप थोड़े देर के लिए मोटिवेटेड हो गए और आपने डिसाइड किया रातों रात कि कल से मैं जिम ज्वाइन करूंगा या फिर कल से मैं एक्सरसाइज करूंगी, मैं योगा करूंगी, आपने ये सोचा, ये हो गया एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। मतलब ये आपको किसी बाहरी चीज़ को देख के आया है, किसी को देखने के बाद ही आया है, अंदर से नहीं आया है। और ये जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है ये ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है, ये शॉर्ट टर्म गोल के लिए रहता है। सेकेंड हम बात करते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन की। इंट्रिंसिक मोटिवेशन मतलब हुआ है या फिर आपने खुद से सोचा है, जो नेचुरली जो आवाज़ आती है अंदर से, या फिर आप खुद से अगर कोई चीज़ें ठान लेते हो और फिर उसको करते हो, जो ये विश नेचुरली आती है उसको इंट्रिंसिक मोटिवेशन बोलते हैं। इंट्रिंसिक मोटिवेशन ही अच्छा रहता है, क्योंकि तब जब आप ये मोटिव जब आप मोटिवेटेड होते हो तब आपके जो गोल है वो शॉर्ट टर्म्स गोल नहीं रहते, आपके जो गोल है वो लॉन्ग टर्म के लिए रहते और जो परमानेंट रहते, जो कि बहुत अच्छा है। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी आप मोटिवेटेड होते हो उस चीज़ को नोटिस करें कि क्या वो मोटिवेशन हमें बाहर से मिला है या फिर हमारे अंदर से कोई आवाज़ आई है, कोई चीख आई है कि हमें अभी तो ये करना ही है। मैंने एक चीज़ बहुत सारे लोगों में या फिर बहुत सारे क्लाइंट में नोटिस की है कि उनके जो फिटनेस को लेकर गोल है वो बहुत ही शॉर्ट टर्म होते हैं। और वो कैसे होते हैं देखिए, जैसे किसी के घर में पार्टी रही, किसी की शादी है, किसी का फंक्शन है, बस हमको ना ये पेट अंदर करवाना है या फिर हमको ना ये आर्म्स कम करवाने हैं, हमको हिप्स का साइज कम करवाना है या फिर हमको थोड़ी बॉडी टोन करनी है। ये क्या है, तुम किसी भी चीज़ को लेके कम या फिर शॉर्ट टर्म गोल्स डिसाइड नहीं कर सकते। फिटनेस ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए डिस्कस करनी है। जैसे आप रोज खाते हो, पीते हो, सोते हो, आप कैसे इसको शेड्यूल कर रहे हो, आप ऑफिस जाते हो, जॉब करते हो, 9 घंटे की जॉब करते हो, लेकिन उस जॉब में आप कितना सिटिंग वर्क करते हो, कितना स्ट्रेस वाला काम करते हो, आपके ऊपर कितना बर्डन रहता है, उन सारी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए फिटनेस और हेल्थ मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मोटिवेशन और डिसिप्लिन, ये दोनों चीज़ें कोरिलेटेड कैसी या फिर एक दूसरे पे डिपेंड कैसी है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुने, क्योंकि ये सिर्फ आपके फिटनेस जर्नी में हेल्प नहीं करेगा, तो आपकी लाइफ में जर्नी लाइफ की जर्नी में आपकी आपके जो सक्सेस है, आपकी जो गोल है उसको रीच करने में हेल्प करेगा। मोटिवेशन हम रोज काम करते जाते, सुबह उठना है फिर से वही काम करना है, सुबह उठना है फिर से वही फिटनेस के लिए काम करना है या फिर ऑफिस वर्क करना है, लेकिन आप थोड़े दिन तक कंटिन्यू रह गए, 3-4 दिन, 1 हफ्ता, 15 दिन, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं आपका मोटिवेशन कम हो जाता है या फिर लिंक टूट जाती है।
और उस 15वें दिन पे जब आप अपना मोटिवेशन पूरा डल हो जाता है या फिर जीरो हो जाता है, उसी जगह पे आता है आपका डिसिप्लिन। डिसिप्लिन देखता है कि आप कब तक मोटिवेशन के सहारे चलते हो, लेकिन डिसिप्लिन ही एक ऐसी चीज है जहाँ पे मोटिवेशन टूट गया वहाँ पे डिसिप्लिन भैया आ जाते हैं। सो इफ यू वॉन्ट टू स्टिक ऑन योर ट्रैक यू हैव टू बी डिसिप्लिन। आपको डिसिप्लिन को फॉलो करना ही पड़ेगा, खुद का टाइम डिवोट करना ही पड़ेगा, तभी जाके ये सारी चीजें आपकी अच्छी हो जाएगी। अभी नेक्स्ट बात करते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया कि खुद से अंदर से इंट्रिंसिक मोटिवेशन आना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि पूरे जर्नी में आपको खुद को ही वर्क करना है, ऑब्वियसली आपको खुद को ही वर्क करना है, लेकिन आपका कोई तो भी बैकबोन होना चाहिए, आपको सपोर्ट करने वाला चाहिए, आपको कोई प्रॉपर गाइडेंस करने वाला चाहिए। तब उस गाइडेंस में कौन आते हैं? उस गाइडेंस में हमारे जैसे फिटनेस एक्सपर्ट आएंगे जो आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप, या फिर यहाँ से आपको ये करना है, आपका वर्कआउट ऐसा रहेगा, आपका डाइट ऐसा रहेगा, आपका चीट मील ऐसा रहेगा, वो सब कुछ आपको गाइड करेंगे। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके फिटनेस के जर्नी में अगर प्रॉपर गाइड करने वाला कोई नहीं है, तो आप बहुत ही रैंडम या फिर गलत वर्कआउट करते हो, गलत चीज़ें आप अडॉप्ट कर लेते हो। क्योंकि आज का ज़माना ऐसा है, आपको 10 लोगों से 10 ओपिनियन, गलत और सही क्या है इसका भी अंदाज़ा आपको पता नहीं होता है। इसके कारण क्या हो जाता है, अगर समझो आपने कभी कोई ख़राब चीज़ ले ली, एक बार आपके बॉडी पे कोई गलत इफेक्ट आ गया या फिर हार्मफुल चीज़ें या फिर कोई इंजरी हो गई, तो आपका मोटिवेशन तो पूरा ज़ीरो चला जाता है और सारी की सारी मेहनत धरी की धरी रह जाती है। एट लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है, हर एक का मोटिवेशन को अडॉप्ट करने का तरीका अलग अलग रहेगा। कोई कुछ अलग वे से अडॉप्ट करेगा, कोई किसी चीज़ को अलग वे में लेगा, लेकिन बेस्ट वे या फिर मेरा वे ऐसा है कि किसी भी चीज़ को तुम गुड इसमें कन्वर्ट कर दो या फिर उसको हैबिट बना लो। जैसे फिर फिटनेस हो, वर्क हो, स्टडीज़ हो, किसी भी चीज़ को अगर आप हैबिट बना देते हो तो वो आपके स्केड्यूल रूटीन में आ जाती है। लास्ट में एक चीज़ आपको याद रखना है, फिटनेस ये 3 to 5 days के लिए नहीं है, फिटनेस ऑल ओवर 365 days के लिए है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और प्लीज़ ये नॉलेजेबल कंटेंट या फिर इंफॉर्मेटिव कंटेंट अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि एक हेल्पफुल वीडियो उनके लिए भी रहेगा।